गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 5.3 इन दिस वीडियो. एंड एज यू नो दैट इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.3. नाउ पेज नंबर इज 112. पेज नंबर इज 112. एक्सरसाइज इज 5.3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में यदि किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी. बट एज आई कैन ऑब्जर्व दैट इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव अ सिंपल क्वेश्चंस. क्लियर? सपोज यू कैन ऑब्जर्व द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इन विच वी हैव DS9 फाइंड ए एंड A9. तो यहां पे क्या करेंगे आप, S9 का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए. S9 का फॉर्मूला ओपन कीजिए लाइक SN. और SN क्या होता है, N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इनटू D. एंड वेन एवर वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ S9 देन इट विल बी 9 अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इनटू D. एंड D इज 5. सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ D विच इज 5 इन द लेफ्ट हैंड साइड. And you can find the value of A. ठीक है, तो इस तरह से आप वहां पे A निकाल सकते हैं. और A निकालने के बाद आप फिर A9 भी निकाल सकते हैं बिकॉज A9 की वैल्यू बन जाएगी A प्लस 8D. तो A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D. उसमें आप A रखिए D रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे. यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम. नाउ टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 113. इन क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी एंड एपी इज 9, 17, 25. एपी स्टार्ट हो रही है 9 से, देन 17, देन 25. सो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज 17 माइनस 9 मीन्स 8. सो डी इज 8, ए इज 9. चलिए आगे. वो कह रहे हैं कि इस एपी में हम टर्म्स कितनी ऐड करें कि ऐड करने के बाद हमें उनका सम 636 मिल जाए. 636 सम हमें मिलना है. तो उसके लिए हम इस एपी की टर्म्स कितनी ऐड करें, मींस 25 टर्म्स ऐड करें या 30 टर्म्स ऐड करें या 35 टर्म्स ऐड करें. हाउ मेनी टर्म्स वी हैव टू ऐड टू ऑब्टेन द सम ऑफ दोज 636. सो वी हैव टू एज्यूम लेट वी हैव टू ऐड एन टर्म्स टू ऑब्टेन देयर सम 636. हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हमें एपी की एन टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा जिसके बाद हमें सम 636 मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट वी हैव टू ऐड एन टर्म्स. हमने ये एज्यूम कर लिया है कि भैया हमें एन टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी. लेट वी हैव टू ऐड एन टर्म्स टू ऑब्टेन देयर सम 636. ठीक है, हमें एन टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा इसके बाद हमें उनका सम 636 मिल जाएगा. चलिए अब एपी को लिख लीजिए. एपी हमारे पास है 19, 17, 25 एंड सो ऑन, फ्रॉम विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज 9, देन कॉमन डिफरेंस विच इज A2 माइनस A1 मींस 17 माइनस 9 एंड रिजल्ट इज 8. सो फर्स्ट टर्म इज 9, कॉमन डिफरेंस D इज 8. क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू आर अजम्पशन हमने ये एज्यूम की है कि हमें एन टर्म ऐड करनी पड़ेंगी जिसके बाद हमें सम
636 मिल जाएगा. सो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल्स टू 636. अब Sn का फॉर्मूला ओपन कीजिए. Sn इज n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d इज इक्वल्स टू 636. क्लियर. अब n तो हमें यहां पे निकालना है. हम यहां पे a और d की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ a इज 9. सो n अपॉन 2 a इज 9 n माइनस 1 d इज 8 इज इक्वल्स टू 636. चलिए नाउ इसको सिंपलीफाई कर लीजिए. n अपॉन 2 ब्रैकेट 29 का 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 636. नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू बोथ साइड. दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सॉरी 2 से. दोनों साइड लेफ्ट एज वेल एज राइट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. ठीक है, क्योंकि जब तक 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये सिंपलीफाई नहीं होगा. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ. ठीक है, तो जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ n बचेगा. 18 माइनस 8 विच विल बी 10 एंड 2 टाइम ऑफ 636 इट विल बी 1272. नाउ 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272 इज इक्वल्स टू 0. यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन बी राइट इन टू द फॉर्म लाइक दिस. 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल्स टू 0. अब इसके बाद ये सभी डिविजिबल हैं 2 से, तो इनको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से. सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0. अब इसके फैक्टर आप अपने आप करेंगे. 636 को मल्टीप्लाई कर लेना है 4 से. जितना भी आएगा उसके आप ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाए, बट जब उन्हीं को माइनस करें तो 5 मिल जाए. ठीक है, तो इस तरह से आप उनके फैक्टर करेंगे. यहां से आपको n मिल जाएगा, नेगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, पॉजिटिव को आप ले लेंगे. ठीक है, क्योंकि जब आप इसके फैक्टर करेंगे और अपने फैक्टर को आप इक्वल्स टू रखोगे 0 के, तो हो सकता है कि वहां से एक वैल्यू निगेटिव में आए. तो n की वैल्यू जो निगेटिव में आएगी उसको आप छोड़ देना, पॉजिटिव को आप ले लेना, क्योंकि n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो हम ऐड कर रहे हैं एंड दैट नेवर बी अ निगेटिव. क्लियर. सो पॉजिटिव आप ले लेना और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा. तो जल्दी से लीजिए स्क्रीन शॉट, मुझे आगे चलना है, बोर्ड रफ करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 देखें. इन क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहे हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400. एक एपी इस तरह से है कि उसकी फर्स्ट टर्म 5 है, उसकी लास्ट टर्म 45 है, और मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू 45 है, और जब हमने उनका सम किया तो वो हमें मिल रहा है 400. जब हमने उस एपी का सम किया, वो एपी जिसने स्टार्टिंग 5 से की है और एंडिंग 45 पर की है, जब हमने उस एपी की सभी टर्म्स को ऐड किया तो हमें उस एपी का टोटल सम मिल रहा है 400. तो वो कह रहे हैं कि ये बताओ उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और कॉमन डिफरेंस क्या है. तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है. अब जरा ध्यान से सोचिए कि यदि हम सम लेके चलते हैं 400, तो फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी.
अब यहाँ पे डी नहीं है, एन नहीं है, तो वेरिएबल दो हो जाएंगे उस फॉर्मूले में। भाई एस एन का यदि फॉर्मूला हम अभी ओपन करते हैं, यूज़ करते हैं, तो एस एन के फॉर्मूले में हम केवल ए को रख सकते हैं 5, लेकिन एन और डी कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो एन और डी कहाँ से लाएंगे आप जरा सोचिए। तो सुन लीजिए, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अलग से। एक तो आप जानते ही हैं कि एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी, ये फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं। एक फॉर्मूला और भी होता है, आपको बता रहा हूं। तो फॉर्मूला ये है कि जब आपको किसी एपी में, सुनना ध्यान से, जब आपको एपी में फर्स्ट टर्म मालूम हो, उसकी लास्ट टर्म मालूम हो, और आपको उस एपी की एन टर्म्स का सम निकालना हो, यानी कि एस एन निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एन। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मालूम कब होगा? जब आपके पास एपी होगी, और एपी तो यहां पे है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म दी है, उसके बाद लास्ट टर्म दी है, और बीच की टर्म वो गायब है, वो आपको नहीं दी गई है। तो जब हमें कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं होता है, तो हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम इस क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म 5 है सो ए विल बी 5, लास्ट टर्म 45 है तो एल हो जाएगा 45, और एस एन उसका एन टर्म का सम दिया हुआ है 400, तो एस एन हो जाएगा 400, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल एन। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल आल्सो। क्लियर? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। सो इन क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड सम ऑफ होल एपी इज 400। इन क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम ऑफ एन टर्म। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि फिलहाल उस एपी में एन टर्म्स हैं जिनका सम 400 है। ठीक है, लेट एपी हैज एन टर्म्स। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एपी के अंदर सपोज एन टर्म्स है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहां पे एस एन का फॉर्मूला ओपन करेंगे, एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल। जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था कि n अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस फॉर्मूले में d भी आता है, बट हमारे पास अभी d की वैल्यू नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पे जो फॉर्मूला ओपन करेंगे वो होगा n अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल इक्वल्स टू 400। जो हम जानते हैं वो हम रिप्लेस कर देंगे फिलहाल। सो n अपॉन टू ये रहेगा एज इट इज, ए को 5 है, एल 45 इज इक्वल्स टू 400। सो वी हैव एन अपॉन टू, 45 प्लस 5 बनेगा 50, सो 50 एन अपॉन, या फिर इसी को वैसे भी लिख सकते हैं कि एन अपॉन टू इंटू 50 इज इक्वल्स टू 400। क्लियर? 2 से कटेगा ये 25 टाइम, और 25 से कट जाएगा 400। So value of n is 16. It means AP में total number of terms 16 है। So value of n refers to the total number of terms in the AP. So in the last the question you have to write down that
टोटल टर्म्स इन ए टी इज 16। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद में हमें निकालना है डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो सोच के बताइए डिफरेंस कैसे निकालें। डिफरेंस निकालने के लिए हम वो फार्मूला यूज करेंगे जिस फार्मूले के अंदर डिफरेंस आता है। वो फार्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn में जो फार्मूला आपने ओपन किया था, ये आपने ओपन किया था n निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास n भी नहीं था, हमारे पास d भी नहीं था, तो इस फार्मूले के हेल्प से हमारे पास n निकल गया। जब n निकल गया है तो हम इस स्टेटमेंट को दोबारा लेके चलेंगे और इस बार हम ये फार्मूला ओपन ना करके दूसरा फार्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला हम यूज करेंगे, जिसमें जो हम जानते हैं वो हम रख देंगे, वहां से हमें d मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा लेके चलते हैं। Sn इज इक्वल्स टू 400। Sn का फार्मूला ओपन कीजिए, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 400। अब यहाँ पे जो हमें पता है, हमें n के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है कि वो 16 है, a के बारे में मालूम है इंफॉर्मेशन 5 है, तो हम यहाँ से d निकाल लेंगे। ठीक है, n 16 तो रखिएगा 16 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 a मीन्स 5, m जो कि मेरे पास 16 है और वैल्यू ऑफ डिफरेंस वो मेरे पास वैल्यू पता नहीं है, तो हमें निकालना है। इज इक्वल्स टू 400। इसके बाद ये आ जाएगा 8, 2, 5 या 10, 15, डी इज इक्वल्स टू 400। सो 8 इंटू 10 ये 80 हो जाएगा, 15 8 जा 120, डी इज इक्वल्स टू 400। सो 120 डी इज इक्वल्स टू 400 माइनस 80। सो दिस इंप्लाइज 120 डी इज इक्वल्स टू 320 एंड वैल्यू ऑफ डी इज 320 अपॉन 120। 0 0 कट जाएगी, 2 6 जा 12 और 2 से कट जाएगा ये 16 टाइम, 2 3 जा 2 8 जा, सो वैल्यू ऑफ d इज 8 अपॉन 3। सो इन दिस वे वी हैव द वैल्यू ऑफ d एज वेल एज वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे s n के दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले यूज किए गए हैं। पहली बार हमने ये यूज किया तो यहाँ से हमें n मिल गया, दोबारा हमने एस एन के लिए फॉर्मूला ये यूज किया है तो वहां से हमें वैल्यू मिल गई डी की। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डी और एन दोनों अवेलेबल हो चुके हैं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। और जो कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े एक बार। इन क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350, इफ कॉमन डिफरेंस डी इज 9 देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए दिया है, लास्ट टर्म एल दिया है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है और हमें निकालना है कि उस एपी में टर्म्स कितनी हैं और उनका सम कितना है। हमें एन और एस एन दोनों निकालने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव फर्स्ट टर्म 17, वी हैव लास्ट टर्म एल 350, कॉमन डिफरेंस डी विच इज 9, so we have to find out the value of n as well as sn। तो हमें दोनों निकालने हैं, n और sn दोनों निकालने हैं।
ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे हमें ए दिया है, एल दिया है, डी दिया है, एन भी निकालना है, एस एन भी निकालना है। तो मैंने आपको एक दिन बात बताई थी कि जब कभी हमें एन निकालना होता है, मींस नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है, तो हम लास्ट टर्म की हेल्प लेते हैं। इस एपी में लास्ट टर्म एल 350 है, तो 350 यदि अपना सीक्वेंस बता दे कि 350 आएगा तो कौन से सीक्वेंस पे आएगा, ठीक है, कौन से नंबर पे आएगा, तो हमें इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म को एज्यूम कर लेते हैं nth टर्म, ठीक, और वहां से फिर हम an का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। an के फॉर्मूले में हम a रख देंगे, d रख देंगे, हमें n मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लास्ट टर्म की हेल्प लेंगे n निकालने के लिए। लेट 350 इज द nth टर्म, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि 350 nth टर्म है। दिस इंप्लाइज an इज इक्वल्स टू 350। an को ओपन कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू 350। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a, n मालूम नहीं है, जो निकालना है d इज 9, 350। सो 17 प्लस 9 n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 350। So 9n plus 8 is equals to 350. So 9n is equals to 350 minus 8, result is 342. And value of n is 342 upon 9, and which will be 38. So, जिस एपी की हम बात कर रहे हैं उस एपी में 38 टर्म्स हैं, जिसकी शुरुआत यानी कि फर्स्ट टर्म 17 से हुई और जिसकी एंडिंग होती है 350 पर। तो कुल मिलाकर के उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स केवल 38 हैं, जैसे कि सेक्शन में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 38 है। ठीक, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एपी हैज 38 टर्म्स। एपी में केवल 38 टर्म्स हैं। अब हमें एन तो मिल चुका है, हमें तो एस एन भी निकालना है, तो कोई बात नहीं, टर्म्स कितनी है 38, तो अब हम 38 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे एस एन इज इक्वल्स टू एस 38 इज इक्वल्स टू 38 अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, बट एन इज नाउ 38, सो वी हैव 38 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, a इज 17 प्लस एन माइनस 1, 38 माइनस 1 इनटू d, d इज 9। चलिए, सो 38 अपॉन 2 विच विल बी 19, 2 इंटू 17 34, 37 इंटू 9, सो रिजल्ट इज 19 टाइम ऑफ 34 प्लस 19 टाइम ऑफ 367। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आपका आंसर आएगा आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, और जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे बोर्ड ऑफ करना है। इन क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब हमने एपी की स्टार्टिंग की 22 टर्म्स को ऐड किया, तो जो आंसर आ रहा है वो आप बताइए। मींस हमें एपी की स्टार्टिंग की 22 टर्म्स का सम निकालना है, पहली बात तो ये। और हमें क्या दिया है, हमें डी की वैल्यू दी है 7,
फिर हमें 22nd टर्म की वैल्यू दी हुई है 149। एपी में जो 22वीं टर्म है, 22nd टर्म है, उसकी वैल्यू दी हुई है 149, ऐसा वो कह रहे हैं। डी की वैल्यू हमें दी है 7, और फिर हमें ये भी दिया हुआ है कि एपी में स्टार्टिंग के जो 22 टर्म्स हैं, एपी में स्टार्टिंग की जो 22 टर्म्स हैं उनका सम हमें निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S22, इट मींस n हो गया 22। ठीक है, हमें एपी की स्टार्टिंग की 22 टर्म्स का सम निकालना है, इट मींस आवर मेन एम इज S22। क्लियर? तो हम यहां पे Sn का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, लेकिन Sn के फॉर्मूले में होते हैं 3 वेरिएबल n, a और d। n तो मालूम हो गया, ठीक है, n हो चुका है 22, बट a और d वो देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन फिर आगे d भी दे दिया, d दे दिया गया है 7। ठीक है, a मालूम नहीं है, लेकिन a मालूम करने के लिए उन्होंने हमें आगे एक हिंट दिया है। वो हिंट क्या दिया है कि AP की 22nd टर्म, इट मींस A22 की वैल्यू 149 है। AP के अंदर जो 22nd टर्म है उसकी वैल्यू 149 है, तो आप A22 को ओपन कीजिए। कैसे? A+21D। सो A22 कैन बी राइट डाउन एज अ A+21D इज इक्वल टू 149। Now here replace the value of d which is 7 and find the value of remaining variable a. So value of a is 149 minus 147. So value of a is 2. तो इस तरह से a की वैल्यू आ चुकी है 2। जब a की वैल्यू आ चुकी है 2, तो अब हम S22 को ओपन निकालेंगे। जब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम S22 को निकालेंगे। कैसे? फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए 22/2, जो कि Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2, और n फिलहाल है 22, ब्रैकेट 2a, a इज 2, प्लस n-1, 22-1 इंटू d इज 7। So it will be 11 time of 2 to the 4 plus 21 into 7. So 11 time of 4 plus 147. So 11 time of 151. And which will be 1661. So AP में 22 terms का जो sum है वो आ जाएगा 1661। जल्दी से कॉपी कीजिए। इसी तरह से जो क्वेश्चन आगे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये आप निकालेंगे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल डिस्कस विद मी। इसे क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पे 12 दिया है, 13 दिया है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कीजिए एक एपी। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में वो बोल रहे हैं कि 6 से डिवाइड होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होगा। तो 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे 6, देन 12, देन 18। तो इस तरह से आपकी एपी बन जाएगी। इस एपी से आपको ए मिल जाएगा 6, डी मिल जाएगा आपको 6, और टर्म्स हो जाएंगी 40। सो वैल्यू ऑफ एन विल बी 40। तो आपको एन मिल गया 40, ए मिल गया 6, डी मिल गया 6। आप यहां पे निकाल सकते हैं S40। तो S40 क्या हो जाएगा?
एस 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आप a रख दीजिए, d रख दीजिए, a और d दोनों बराबर ही हैं, 6 हैं, रख दीजिए आंसर आ जाएगा। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो आप ट्राई करें और इसको फिनिश करें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो रिगार्डिंग टू एनी क्वेश्चन एनी कंसेप्ट देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी। ठीक है।